ओके तो फ्रेंड्स, आप तक भी अगर खबर पहुंचेगी कि आपका जो मोबाइल फोन का नंबर है वो हो जाएगा 13 डिजिट का, यहाँ पर जो है आपको 1 जुलाई से मिलेंगे 13 डिजिट के नंबर वाले सिम कार्ड, तो यहाँ पर ये आप तक पहुंच गया। तो डेफिनेटली इस वीडियो को आप लास्ट तक देख रही है, इस वीडियो में आपसे बात करने वाला हूँ इसी सारी अफवाह के बारे में जो आपने सुनी है न्यूज, और इसे क्लियर करने वाला हूँ असल में माजरा क्या है। तो अगर आप इस वीडियो में इंटरेस्ट बने इस वीडियो में लास्ट तक। मेरा नाम है भानु प्रताप और मिस्टर वी यूट्यूब चैनल देख रहे हैं आप। स्टार्टिंग में आपको न्यूज सुनने को मिली थी कि यहाँ पर जो है आपका सिम कार्ड जो आप खरीदते हैं वो सिम कार्ड अब आपको 13 डिजिट का नंबर के साथ मिलेगा, जो कि जुलाई से अगर आप खरीदेंगे, और अभी जो एग्जिस्टिंग है वो आपको अक्टूबर में जाके उसे चेंज कराना होगा, 13 डिजिट तक का नंबर उसका करा लेना होगा। और ये न्यूज जो है मतलब बुरी तरीके से यहाँ फैल गई पूरे इंटरनेट पर, यहाँ पर हमारे टेक्नोरोहित जी भी वो इस चीज का शिकार हुए, लेकिन उन्होंने अपडेट करके वीडियो बना दी और पिछली जो गलत वीडियो थी उसे टेक डाउन कर दिया, यहाँ पर माफी मांगी, जो कि एक अच्छी बात है। खैर अब आगे बढ़ रहे हैं हम बात को, जैसी कि यहाँ पर बात हुई थी कि आपके डिजिट का जो है 13 डिजिट का अपना नंबर आपको देखने को मिला, लेकिन बात एग्जैक्टली ऐसी नहीं है। यहाँ पर एप्लीकेशन में M2M कम्युनिकेशन लिखा हुआ था, जैसे कि लोगों ने समझा कि मोबाइल टू मोबाइल कम्युनिकेशन है, लेकिन एक्चुअली में वो है मशीन टू मशीन कम्युनिकेशन। अब ये मशीन टू मशीन कम्युनिकेशन और मोबाइल टू मोबाइल कम्युनिकेशन, इन दोनों में डिफरेंस करते हैं। यहाँ पर देखिए मोबाइल टू मोबाइल कम्युनिकेशन जो होता है आपके स्मार्टफोन से स्मार्टफोन में कम्युनिकेशन, लेकिन मशीन टू मशीन कम्युनिकेशन वो होता है जिसमें वो सिम कार्ड्स यूज होते हैं मशीन टू मशीन कम्युनिकेशन में, जिसमें जैसे फॉर एग्जाम्पल आपकी कार, आपका एयरप्लेन, आपका नहीं मतलब एयरप्लेन वगैरह या ATM कार्ड्स वगैरह, इन सब में जो ऐसे सिम कार्ड यूज होता है वो जो है पहले आपको 10 डिजिट का नंबर के साथ देखने को मिलता था, लेकिन अब उसे डॉट ने ऐसा ऑर्डर दिया है सारे टेलीकॉम सेक्टर को कि आपको उस 10 डिजिट के नंबर को 13 डिजिट का करना होगा फॉर सम सिक्योरिटी पर्पसेस। और मशीन टू मशीन का मतलब ये है कि आपकी जितनी भी मशीन जो इंटरनेट से कनेक्ट होती हैं, आपस में जो कनेक्ट होती हैं, कार्स वगैरह, प्लेन्स वगैरह या बाकी सारी मशीनें, तो उनके लिए ये हुआ है सारा खेल ये, मतलब यहाँ पर आपके मोबाइल फोन से आपके सिम कार्ड से इसका कोई मतलब नहीं, आपको चिंता लेने की जरूरत नहीं, आपको कहीं भी जाना नहीं पड़ेगा, आपके इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के पास नहीं जाना पड़ेगा, कॉल नहीं करना पड़ेगा कि मेरा भैया नंबर 13 डिजिट का कर दो या ऐसा कुछ, कोई यहाँ पर चिंता की बात नहीं है। अगर आपको नई सिम भी नहीं लेनी पड़ेगी, आप तो आराम से कोई दिक्कत के साथ, कोई आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, आपको मोबाइल फोन के साथ कुछ नहीं होने वाला है। और बाकी यार इस वीडियो में बस इतना ही कि क्लैरिफाई करना था, आपको बताना था इसी इन्फॉर्मेशन का। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा, आपको लगा होगा मैंने कुछ इन्फॉर्मेटिव आपको दी, डेफिनेटली इस वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं बड़ा वाला, और डेफिनेटली चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए इस तरह की टेक न्यूज़ और डेली टेक वीडियोस, इस तरह की टेक न्यूज़ नहीं, इस तरह की टेक वीडियोस और डेली टेक न्यूज़ अपने चैनल पर अपलोड करता हूँ। अगर आपको चेक करना है चैनल तो डेफिनेटली जाके चेक करिए, करना नहीं है चेक करिए जाके चैनल, कंटेंट डेफिनेटली आपको पसंद आएगा। सब्सक्राइब करिएगा चैनल को और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिए, जिससे दबाने से होगा जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँगा उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगा। और बस यार आज की वीडियो में बस इतना ही, मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो, तब तक के लिए गुड बाय, अपना ख्याल रखिए।